मेथड से ले सकते हैं विदाउट टेकिंग थ्रू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हम किसी भी बड़ी वैल्यूज का स्क्वायर रूट इस तरह से ले सकते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पर आप अपना कोई भी नंबर, ये मैंने अपने माइंड से लिए कोई भी नंबर, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए इस वैल्यू को ले रही हूँ 50,000। आप इस तरह से लाइन निकालें और जैसे आप डिवीजन करते हैं कि आप सबसे पहले 2 से या 3 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अगर इवन होता है तो आप 2 से लेते हैं, ऑड होता है तो आप और जो है 3 से लेते हैं। आप पहले इवन चेक करने के लिए लास्ट नंबर देख लेते हैं कि वो 0 to 10 है या 0 to 8 है। तो अगर वो 0 to 8 हो तो आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो इस वजह से हमें 2 से स्टार्ट करनी डिवीजन करना। इसी तरह से हम चेंज करते जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, सो ऑन आप बड़े नंबर की तरफ जाते रहते हैं, ठीक है। अब 2 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 into 2, 2 into 5 एंड 0 0 एज इट इज़, मतलब 2 into 25,000 वी गेट 50,000, ठीक है। इसी तरह से इसको अभी भी हम 2 से करेंगे क्योंकि 0 लास्ट में, 2 into 1, 2 into 2, 2 into 5, 0 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से 1 बचा और यहाँ 10 था तो मैंने 5 से कर दिया, ठीक है। इस तरह से आप साइड पे यूँ कर भी लें, अगर आप बिगनर्स हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे हैं तो वो इस तरह से करें। जितना आप ज़्यादा ख़ुद से करेंगे उतने ही ज़्यादा आप जो हैं कर सकेंगे। यहाँ नीचे आ गया 5 और ज़ीरोस यहीं से ऊपर चले जाएंगे। तो ये तरीका था। इसके बाद दोबारा से हम 2 से लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है। 5 1 5 1 5। अच्छा, यहाँ से अगर आपको थोड़ा सा देखें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 2 5 0 0 एज इट इज रहते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 6। ओह वाह, यहाँ तो 6 आ रहा है और मैं 5 और 1 लिख रही हूँ। अब आपको समझ आया कि कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी खुद से ठीक हो सकती हैं जब आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रहे होते हो। और 5 के लिए 2 5 और 0 एज इट इज ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से मैंने अपनी मिस्टेक को कवर किया क्योंकि मैं खुद से कर रही हूँ, कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि हमने अपनी मेंटल मैथ को भी इम्प्रूव करना है। 2 5 0, अभी फिर ये 2 से होगा। 3 1 2 5। अब क्या ये 2 से हो सकता है? नहीं। क्या ये 3 से हो सकता है? लेट वी चेक। अगर 3 से नहीं होगा तो हम 5 की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। 3 से चेक कर लेते हैं, स्पेस आपको जहाँ भी मिले। वन टू नो, हमारे पास रिमाइंडर 5 बचता है, इसलिए हमें 5 को ही लेना पड़ेगा। 5 को जब मैं लूँगी तो 5 6 are 30, 2 are 10, 5 are 625 एंड सो ऑन। अब 5 को 625 से हम कर सकते हैं। लेट वी चेक, 1 are 5, 2 are 10, 5 are 25, देन 5 2 are 5, 5 5 are 25। इसको हमें यहाँ सामने, यहाँ से लेके यहाँ से 5 और यहाँ से हमें इससे नीचे जा रही हूँ, ठीक है। इस स्टेप को हम यहाँ से काट देते हैं और यहाँ से, क्योंकि हमने इस पूरी लाइन को अपने आंसर में लिखना है ना, तो इस वजह से मैं यहाँ से काट रही हूँ ताकि हम कोई भी नंबर 2 दफ़ा ना लिखें, ठीक है। 5 5 5 5 are 25, 1 we get। अच्छा, जितने भी ये नंबर आपको अब नज़र आ रहे हैं ना साइड पे, आपने इनको लिख लेना है। कैसे लिख लेना है? 2 into 2, सब मल्टीप्लाई होंगे। गिनने कितने 2s हैं, 1 2 3 4 5
फाइव टू फोर फाइव, वन टू थ्री फोर, फोर फाइव है। अब इनका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये आपस में भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो टू की पावर टू, टू की पावर टू, टू की पावर वन, फाइव की पावर टू, फाइव की पावर टू। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखें जब भी एक चीज़ अपने आप से दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम टू की पावर टू लिख सकते हैं, ठीक है। और डॉट जो है मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करते हैं, और वी नो दैट टू की पावर टू या किसी की पावर टू होगी तो स्क्वायर रूट उसे कट जाता है, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो अब ये यहाँ इस टू की पावर टू के लिए कैंसिल आउट हो गया, इस टू की पावर टू के लिए कैंसिल हो गया, लेकिन इसकी टू की पावर वन के लिए कैंसिल आउट नहीं हुआ क्योंकि इसकी पावर वन है। इस तरह से फाइव की पावर टू के लिए कट गया, फाइव की पावर टू के लिए कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें जो जब मल्टीप्लाई कोई चीज़ हो रही होती है तो अंडर रूट को जब हम खोल के लिखेंगे तो यहाँ इसके लिए अलग अंडर रूट होगा, इसके लिए अंडर रूट अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग होगा, ठीक है। इसी तरह से जब अलग होगा तो हम अलग से खोल के, प्लस में ऐसा नहीं होता। जब कोई भी नंबर स्क्वायर रूट में प्लस हो रही होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो आप उसको ऐसे खोल के नहीं लिख सकते, मल्टीप्लिकेशन में आप और डिवीजन में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, लेट वी अरेंज इट, 50,000 टू की पावर टू, फाइव की पावर टू इंटू टू इज इक्वल्स टू 50,000 का अंडर रूट ये आया हमारे पास, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 इंटू 25 और 4 इंटू 25 वी गेट 100, अंडर रूट टू वी गेट, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा रफनेस आई है हमारे पेपर में, लेकिन हमें समझ अच्छा आ गया और हम आगे से कोशिश करेंगे कि हम अपना काम नीट करें। लेकिन जब आपको कोई चीज़ आ जाती है ना तो आप इजीली नीट कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा पेपर का भी प्रॉब्लम था कि जो है एक ही शीट पे मैं आपको चाह रही थी कि आपको समझ आ जाए, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।